टिक टोक है बनाना पानी। जलसा इमरान खान के सिलसिले में तैयारियाँ अरूज पे पहुँच गई हैं, स्टेज सज गया है और इस जलसे में की ख़ास अहमियत इसलिए भी है कि इमरान खान की जमात के सेनेटर फैसल जवेद ने एक अहम ऐलान अपने सोशल मीडिया पैगाम में किया है कि इमरान खान इस जलसे में एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। वो बड़ा ऐलान क्या होगा, उसने एक तजस्स पैदा कर दिया है सियासी हलकों में। ये मौजू ज़ेर बहस है कि इमरान खान यहाँ से लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या कोई और बड़ा ऐलान करते हैं। फैसल जवेद ने एक सहाबी के सवाल के जवाब में कहा जी कि वो अगले दो हफ्ते में इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म देख रहे हैं। तो ये कैसा ऐलान होगा, इसका जो फैसला है वो सुबह जलसे में इमरान खान के खिताब के बाद ही हो सकेगा। साढ़ा इन्होंने जब कर दी जिमीदारा की बिजली के बिल देने तो असं मजबूर हो गए हैं। इतनी महंगाई जो इमरान खान से हालां महंगाई भी नहीं तो जनाब ये कहते सी जी इन्हें महंगाई कर दी ये, लेकिन अपना गिरेबान नहीं है वेखते कि असी की करने हैं। तो बाकी हम की करिए यार, असी तो अनपढ़ बंदे हैं, लेकिन इन्होंने जलील कर दिता अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल पाँच तन पाक का सदका इन्हों चोर चक्या को साड़ी जान छुट जाए। इमरान खान जड़ा एक सच्चा बंदा है, लेकिन ये बड़े बेगैरत वो पिछे पे आज अल्लाह बेहतर करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिमियार खान में अपना पावर शो करने जा रही है। पार्टी ज़राए के मुताबिक कल पार्टी चेयरमैन को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो एहतजाजी तहरीक लॉन्ग मार्च का जो इनका मरहला है वो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने चलाना है, उसके पहले स्टेप का ऐलान हो सकता है। कल का जलसा इमरान खान का जो हमने अपने तौर पे जो गली मेले में सर्वे किया या दो सबाब से मिला बहुत ज़्यादा आवाम है ना जो भी जज्बा पाया जाता है और ऐसा जलसा इंशाल्लाह जो 2018 की नस्बत ये जो कल का जलसा ना ये रिकॉर्ड तोड़ेगा पंजाब में और एक ये सियासत का एक नई रुख तय्यन करेगा कौमी सियासत में भी मकामी सियासत में भी और इंटरनेशनल सियासत में भी। इंशाल्लाह ये जलसा और इमरान खान तारीख जो है ये इंशाल्लाह पूरे मुल्क की सियासी तब्दील कर देगी। जी 24 सितंबर बरोज हफ्ता मीडिया हॉल में इमरान खान के जलसे के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। कंटेनर जो रोड है को देखने के लिए फैमिली समेत आ रही है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर है, क्योंकि 70 साल साड़ी उम्र हो गई है। कोई भी है जड़े चोर चक्के आए हैं इन्होंने कोई नबी पाक दे ईद मिलादन नबी का इन ही आन के आया अपनी हुकूमत 8 दिन का हुकूमती सदा से
जनाब इन्हें मनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ईद मिलादन नबी मनाओ हुकूमती सदा दे। हमारा लीडर इमरान खान साहब रहिंजा खान तशरीफ ला रहे हैं और आप अभी से जो यहाँ पे माहौल देख रहे हैं ये चीज़ बावर कर आ हो रही है कि कल ये ग्राउंड बहुत छोटा पड़ जाएगा। और ये मैं तो अपने दोस्तों को कह रहा था कि ये ग्राउंड फट जाएगा, फट देने से मुराद के ये बाहर आपको रोड्स पे सारी दुनिया नज़र आएगी और ये पूरा शहर जैम हो जाएगा। और कल का जलसा अहमियत का हमल इसलिए भी है कि खान साहब ने कल उम्मीद है कि बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं और हकीकी आज़ादी की तरफ जो वो पिछले 2-3 माह से उनका बयानिया था और उस बयानिए में अब जो मजीद आवाम को कह दें कि दलदल में डाल दिया गया महंगाई का, और उसको दोनों बयानियों को लेके खान साहब कोई बड़ा ऐलान कर दें लॉन्ग मार्च का। और यकीन करें आप कल देखेंगे अगर खान साहब यहाँ पे ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो इस ग्राउंड में से कोई भी एक बच्चा, कोई औरत, कोई बुजुर्ग, कोई जवान, कोई नहीं होगा जो लबैक नहीं कहेगा। अभी भी आप अगर इर्द गिर्द कैमरा अपना घुमाएं तो मैं यही बात कह रहा था कि 80% यूथ है, ये वो यूथ है कि जिसको कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है, जिसको रिक्शों की जरूरत नहीं है, जिसको बसों की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने तई आप पहुँचना है। जहाँ कान की कॉल आएगी ये वो लोग हैं जिनको सेंस कम और जीने मरने का ज़्यादा पता है कि खान के साथ हमने जीना भी खान के साथ है और मरना भी खान के साथ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि खान साहब कल यहाँ से अपनी हकीकी आज़ादी के मार्च का ऐलान करेंगे। वो जब भी ऐलान करेंगे ये सारी कौम, ये सारी पाकिस्तानी अवाम, खासतौर पर ज़िला रहीम जरखान की बाशऊर अवाम इंशाल्लाह खान को लबैक कहेगी और उनके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना चलेगी। मैं रहीम यार खान और आसपास के जितने लोग आए हैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने इतना अच्छा आज की रात पे इमरान खान का साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह कल यहाँ पर एक भरपूर जलसा होगा। आप सबने दिल्ली में आ जाना है।